सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम क्या होता है। इससे पहले आपको यह जानना होगा कि डायबिटीज मेलाइटस किसको बोलते हैं। जब बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से जब बढ़ जाता है, उस कंडीशन की वजह से एक्सेस यूरिन बनता है और साथ साथ यूरिन से ग्लूकोज पास करता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। यानी एक्सेस पेशाब बनना और पेशाब के साथ ग्लूकोज पास करने को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज मेलाइटस दो तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 को बोलते हैं जो इंसुलिन पे डिपेंड रहता है, टाइप 2 को बोलते हैं जो टैबलेट एक्सरसाइज और डाइट पे डिपेंड रहता है। जो ब्लड शुगर है इसका फास्टिंग वैल्यू 70 से 110 मिलीग्राम पर डे होता है, और खाना खाने के बाद जिसको पीपी बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल, यह 90 से लेकर 130 एमजी पर डे होता है। अगर फास्टिंग वैल्यू 125 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है या फिर पीपी वैल्यू अगर 145 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हो जाता है, और वो भी लगातार जब 3 सप्ताह तक देखते हैं एक्सीड लेवल रहता है, तब इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इसका लक्षण क्या होता है, क्या सिम्टम होता है डायबिटीज मेलाइटस का। देखिए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है ना। देखिए, ग्लूकोज बढ़ने वाला या बात दो दो चीज हो रही है यहाँ पे, दो कंडीशन आएगी। एक तो ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो इसका सिम्टम अलग होगा, दूसरी क्या बोलता है कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा, सेल में ग्लूकोज नहीं जा रहा है। दो दो सिम्टम आता है। पहला सिम्टम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या फंसेगा इसमें। तो ग्लूकोज बढ़ने के कारण सबसे पहला दिक्कत होगा कि ब्लड गाढ़ा हो जाएगी, ब्लड का विस्कस क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अब ब्लड जब गाढ़ा होगा तो क्या क्या दिक्कत होगी। सबसे पहला दिक्कत होगी बेनाइन हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी कि ब्लड प्रेशर रेज कर जाएंगे, ठीक है। नंबर टू, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो यूरिन में जो जीएफआर होती है ना, उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगी, उसमें तो जीएफआर बढ़ भी जाएगा और साथ साथ क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगी। उसके रीजन क्या होगी, विस्कोसिटी से एडीएच का फॉर्मेशन घट जाता है, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, और एडीएच घटेगा तो फिर क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है विस्कोसिटी बढ़ जाने से यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्या होगी, जब ज़्यादा जब पेशाब ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा प्यास लगेगा, जो ज़्यादा पेशाब होगा उसको क्या बोलते हैं, पोली यूरिया। तो पहला गड़बड़ी क्या होगा, पोली यूरिया। क्यों पोली यूरिया क्यों हुआ, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ने से एडीएच घट जाता है, एडीएच घटेगा तो पेशाब ज़्यादा बनेगा, विस्कोसिटी बढ़ जाने से जीएफआर बढ़ जाएगी तब भी यूरिन ज़्यादा बनता है। दूसरे नंबर पे बोलते हैं पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है कि प्यास ज़्यादा लगेगा, क्यों, ज़्यादा पेशाब बनेगा तो ज़्यादा प्यास लगेगी। तीसरे नंबर पर आता है पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का मतलब होता है ज़्यादा भूख लगता है, क्यों भूख लगता है, जब सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो बॉडी डिमांड करता है, एनर्जी का डिमांड करता है, तो उससे क्या होगा, इसको भूख ज़्यादा लगता है इसको। अगला रिकरेंट इन्फेक्शन। देखिए, बार बार इन्फेक्शन होगा इसको, क्यों होता है इन्फेक्शन, कि विस्कस होने के कारण, ब्लड के गाढ़ा होने के कारण WBC का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है कि न्यूट्रोफिल का अमीबॉइड नेचर लॉस कर जाता है, या इसका जो मूवमेंट बंद हो जाती है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है। अब मूवमेंट जब प्रॉपर नहीं होगा तो उस केस में फैगोसाइटोसिस नहीं होता है, और जब फैगोसाइटोसिस नहीं होगा तो WBC काम प्रॉपर नहीं कर पाती है। इसलिए क्या होता है कि इस मरीज को जो क्या होता है ना, और यही नहीं बल्कि और भी WBC का फंक्शन गड़बड़ा जाता है, तो बार बार स्किन का प्रॉब्लम होता है,
बाबा इसकी में इचिंग होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बार बार होता है उसको, कोई भी इन्फेक्शन होता है अटैक करता है, जल्दी ठीक नहीं होता है इसको, तो इन्फेक्शन के चांसेस इसको बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगला सिम्टम क्या मिलेगा इसमें, ब्लड विजन। क्या होता है ना कि एक्वस ह्यूमर में जो विजन जो होती है ब्लड हो जाती है, ब्लड विजन। ब्लड विजन का रीजन क्या होती है कि जो एक्वस ह्यूमर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा दिखाई देने में धुंधला होने लगता है, उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, तो एक दिक्कत यहाँ पे ब्लड विजन भी आने लगता है। नेक्स्ट अगला क्या होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है, ग्लूकोज के कारण क्या होता है कि जो हार्मोन होता है उसकी कमी होने लगती है, और इसकी वजह से क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर के कई ऐसे डिजॉर्डर होने लगता है, लिबिडो ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो होती है नेक्स्ट डिजॉर्डर क्या होता है, ये तो हो गया विस्कोसिटी और बढ़ने के कारण ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है। अब क्या होता है अगला डिजॉर्डर क्या होती है इसके कारण, कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब ग्लूकोज का लेवल जब बढ़े यहाँ पे तब फ्री रेडिकल बनने लगता है, अब फ्री रेडिकल जब बनना स्टार्ट हो जाएगी तो इस केस में क्या हो, कई डिजॉर्डर्स आना स्टार्ट हो जाती है, इस फ्री रेडिकल के कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने लगता है, नर्व का फंक्शन सेंसेशन कम होने लगता है बॉडी में, खास करके डिजिटल इंसे स्टार्ट हो जाता है, पैर में क्या होगा ना तलवा में सेंसेशन कम हो जाएगी, क्यों हो फ्री रेडिकल के ज़्यादा बनने के कारण नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब होने लगती है, शुरू में वहाँ पर हाइपोस्थेसिया होगा, अनस्थेसिया होगी, और धीरे 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 क्या होने लगता है, सुनापन आना स्टार्ट हो जाता है, ये भी होता है सिम्टम इसे डेवलप। तो फ्री रेडिकल जो होती है ना इसे बनते रहता है, इसलिए डायबिटीज वालों को बोला जाता है कि फ्री रेडिकल को रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए विटामिन ए है, विटामिन सी है, वो सबको बोलते हैं रेगुलर लेने के लिए। नेक्स्ट अगला जो सिम्टम आता है क्या होगा, कि सेल में ग्लूकोज के नहीं जाने के कारण सेल क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ने लगता है। अब प्रोटीन को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, प्रोटीन को ब्रेक करने से बॉडी में हीलिंग पावर घट जाएगी, कहीं जल्दी घाव भरेगा नहीं। क्यों हीलिंग घट जाती है, क्योंकि अब सेल डिवीजन के लिए जरूरत कौन सी की होती है, प्रोटीन की। अब सेल में ग्लूकोज नहीं जा रही है, मजबूरी है प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटीन के टूटने के कारण क्या हो जाएगी, बॉडी में अब प्रोटीन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में कई तरह का हार्मोनल डिजॉर्डर होने लगता है, बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होती है, जल्दी कहीं घाव भरवे नहीं करेगा, डिलेट डिलेडिंग होने लगती है, तो ये सब जो होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगला कंडीशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्रोटीन, अगर बॉडी प्रोटीन नहीं ब्रेक होती है तो यहाँ पर फैट भी ब्रेक होने लगता हो जाता है, तो सेल में ग्लूकोज के नहीं जाने के कारण सेल में फैट का ब्रेकडाउन होने लगता है, अब यहाँ फैट टूटने लगता है। फैट के टूटने से क्या होती है, फैट पूरा कंप्लीट ब्रेक नहीं होती है, इनकम्प्लीट ब्रेक होता है, इसके कारण क्या बनता है यहाँ पर कीटोन बनता है, फैट के इनकम्प्लीट ब्रेक होने से कीटोन बनता है। अब कीटोन बनेगा तो कीटोन का हानि होने लगेगा, इसको कीटोन के बढ़ने से क्या हो जाएगी, जो ब्लड का पीएच है वह हल्का एसिडिक होने लगता है, अब यहाँ पर सीएसएफ का पीएच एसिडिक होने लगता है, पेशेंट को हेडेक होने लगता है, माइग्रेन वर्टिगो चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, और इस एसीटोन के कारण अगला दिक्कत क्या होता है कि उसके माउथ में एक अलग टेस्ट होने लगता है, उसको हर समय उसका मुंह मीठा मीठा लगने लगता है इसी कीटोन के कारण। अगला सिम्टम क्या मिलेगा इसको, कीटोन की वजह से ज्वाइंट पेन होने लगता है, मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, उसका गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, गैस्ट्रिक फ्लेचुलेंस, पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है इसी एसीटोन के कारण से। तो इस देख ये सब क्या है, ये सिम्टम है, ये सब सिम्टम आता है मरीज में, और पेशेंट क्या होता है ना सेल में ग्लूकोज के नहीं जाने के कारण पेशेंट थकान थकान महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होता है, हर समय फैटिग होने लगता है, और हर महीने बॉडी वेट घटने लगता है, पेशेंट का जो बॉडी वेट है ना हर मंथ में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, जब सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो प्रोटीन टूटने लगता है इसके कारण। अगला क्या होता है, मसल्स और लूज होने लगता है, जब टच करके देखेंगे बॉडी ना तो लूजनेस होने लगती है पेशेंट को। ये जितने भी सिम्टम देख रहे हैं ना ये सब सिम्टम क्या चीज़ का है, डायबिटीज मेलाइटिस का है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे डायबिटीज मेलाइटिस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, बाकी हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।